अभी ना थोड़ी सी अलमीरा मैंने सही करी है, मतलब और करी हैं, थोड़े कपड़े टेबल पर रख दिए हैं और जो सामान है वो भी निकाल के रख दिया है। और फिलहाल मैं रूम अभी ना ऐसे छोड़ रही हूँ गंदा, क्योंकि मुझे ना अभी पहले ये जा रहे हैं आलू बॉईल हो गए हैं, पहले इनका खाने का इंतजाम करूँ क्योंकि ये जल्दी जाएंगे फिर लेट हो जाएगा। तो पहले देख लेती हूँ किचन में, कमरा थोड़ी देर में सेट करती हूँ। चलिए तो आलू बॉईल हो गए हैं, आलू बॉईल हो गए हैं, छिल लेती हूँ मैं। कर दिया है मैंने छिलने के बाद, चलो क्लीन कर दिया। क्लीन करके कितना अच्छा लगता है ना, मन खुश हो जाता है मेरा तो जब मैं अपना घर क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने रूम भी सेट कर दिया, क्योंकि ना फिर मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा था, मैंने कहा पहले रूम साफ़ कर लूँ। और आलू मैंने छिली दिए, फटाफट से जा रही हूँ किचन में। तो देखिए यहाँ पर जो कपड़े रखें ये रखने बेड में, और किचन में आके फिर मैंने कहा चलो अब मैं इनके लिए कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बना लेती हूँ। पूड़ी मुझे बनानी आ गई हैं, लेकिन कहते हैं करत करत अभ्यास, मुझे उसकी कहावत आके याद नहीं आ रही है, तो वही मैं कर रही हूँ। जो धीरे धीरे हर चीज़ सीख जाते हैं जब नहीं करती, और अभी मैंने लगातार बनाई तो मुझे चलो वही है कर लूँगी मैं अब आगे से। तो मैंने कहा चलो इनके लिए पूड़ी बनाती हूँ, और आलू भी मुझे फ्राई करने हैं, तो दोनों चीज़ें मैं कर लूँगी क्योंकि इनका टाइम काफ़ी लेट हो जाएंगे ये, और इवनिंग में अब जाते हैं और मॉर्निंग में आ जाते हैं ये। तो चलिए इधर ही फटाफट से मैं कर लेती हूँ और दिखाती हूँ मैं आपको मेरी कैसी बन रही हैं पूड़ियाँ। तो यहाँ मेरी पूड़ी बड़ी, और कुछ वीडियो शायद मेरी डिलीट हो गई हैं इसमें से जो मैं एडिट नहीं कर पाई इस कारण से। तो यहाँ पर मैंने ऑयल भी इसमें कम डाला है, क्योंकि मुझे ना इसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें करना है मुझे क्या करना है अभी एक सेकेंड, हाँ फ्राई करना है और उसमें आलू भी फ्राई करने हैं। यहाँ ना मेरी कुट्टू के आटे की पूड़ी बन गई है, तो बताइएगा जरूर कैसी बन रही हैं आज मेरी कुट्टू के आटे की पूड़ी। और काफ़ी अच्छी बन गई, मुझे लगा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन मैं करने लग गई हूँ। आलू फ्राई कर दिए हैं मैंने फटाफट से, दही और आलू की सब्ज़ी, तो थाली बन के तैयार है। बस चटनी नहीं दी आज मैंने, चटनी थी नहीं थोड़ी सी, मैंने चलो शाम को ऊपर बनाऊँगी, लेट हो गए थे काफ़ी ये, तो खाना बन के तैयार है। तो इधर मैं आ गई हूँ सीधे फिर रूम में, और मेरे बच्चों ने देखो फिर क्या हाल करा है बैठ का, मतलब दो मिनट में अगर आएंगे ना तो कूदा कादी इनके शुरू हो जाते हैं दोनों ही बीचे बच्चे, बहुत ही ज़्यादा मेरे शैतान हैं। तो मैंने चलो हेयर कॉम्बिंग कर लेती हूँ, और इसमें मैंने कहा चलो भाई हैंकी ठैंकी भी टक कर रखा है, और प्लीज़ आप लोग मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ अब कि वीडियोज़ पर प्यार सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपका। तो इधर चलिए हैंकी टक का वीडियो मेरा तैयार है, और इधर मैं ना अब जाऊँगी बाहर मंदिर में पूजा करने, तो चलने पूजा करने, तो नाइट 7 बज गए हैं लगभग, तो मैंने चलो पूजा कर लेती हूँ मैं। मैंने पूजा कर ली है, ये तो पूजा करके गए थे, और इसके बाद मैं जा रही हूँ अपना खाना पीना मेरा हो ही गया। तो आजकल है तो अभी नवरात्रि, तो मैं अभी किचन पूरा ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ना अगर ढंग से क्लीन करो तो बहुत अच्छा। फ्रेंड्स इधर मैं आ गई हूँ अपना किचन क्लीन करने, क्योंकि ना इवनिंग सॉरी नाइट में ही किचन क्लीन करूँगी, बच्चों को खाना वगैरह मैंने सबको दे दिया है और हम लोगों ने भी खाना खा लिया, तो मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया क्योंकि कल है नवरात्र सुबह 9 बजे, तो मैं 9 बजे ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की चार्जिंग हो रहा था, फोन पता नहीं मेरे संग क्या क्या हो रहा। तो फ्रेंड्स मैं अभी इस ब्लॉग का यही एंड कर रही हूँ, क्योंकि ना काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, किचन क्लीन कर लिया है। अब मिलेंगे आपको कल, 9वीं है संडे, तो संडे को 9वीं मनाएंगे हम लोग। चलिए थोड़ा सा जरूरी कपड़े धो दूँगी मैं, कपड़े रखे हुए हैं तो वो धो दूँगी, और कब चेंज कर लेती हूँ जाते हैं ऊपर, क्योंकि ना बच्चे हैं ऊपर। तो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और आज का व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सका तो कुछ न्यू लाने की पूरी कोशिश है, लेकिन व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा, और जिस टाइप से मैं व्यूज़ चाह रही वो व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता कि नोटिफिकेशन आप लोगों पर जा रहा है या नहीं जा रहा, पता नहीं।